हेलो स्टूडेंट, दिस इज अ क्लास टू सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर वन, चलना ही जीवन है। आज हम क्या पढ़ेंगे? चलना ही जीवन है। एक मम्मी ये चींटी और चिड़िया दिन भर क्या क्या करती हैं? एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, मम्मी ये चींटी और चिड़िया दिन भर क्या क्या करती हैं? यहाँ फुदकती, वहाँ सरकती, बस यूं ही करती रहती हैं। ये यहाँ सरकती रहती हैं और फुदकती रहती हैं, मतलब फुदकना मतलब बार बार उड़ना, बार बार बैठ जाना, उसे हम फुदकना कहते हैं। ठीक है, सुन मुन्ना ये चींटी चिड़िया यहाँ वहाँ जो फिरती हैं। माँ कहती है अपने बच्चे को, देखो बेटा ये जो चिड़िया यहाँ वहाँ जो घूम रही हैं, हर पल खोज सदा ये करती, समय का क्षय नहीं करती। हर पल ये, हर एक क्षण ये किसी न किसी चीज की खोज में रहती है, ये अपने समय को खराब नहीं करती। तिनका तिनका चुनकर चिड़िया अपना नीड बनाती है, नन्नी नन्नी चिड़ी देखो हरदम चलती जाती है। ये छोटी छोटी चींटियां भी होती है ना, देखो हरदम चलती जाती हैं, ये कभी थकती नहीं है, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। और मधुमक्खी के अमृत कणों से अपना छत्ता जोड़ा, मधुमक्खी का जो शहद होता है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे एक छत्ता बन जाता है, जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। चढ़ती गिरती चींटी ने भी फिर चढ़ना कब छोड़ा, वो चींटी जो चढ़ती है वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते चढ़ी जाती है। धरती चलती घूम घूम कर दिन और रात बताती है, जिस तरह से हमारी पृथ्वी हर वक्त घूमती रहती है और दिन और रात बताती है, वो रुकती नहीं है, उसी तरह उसी सदा लगा सूरज के चक्कर, सुंदर ऋतु लाती है और सूरज भी अपने समय के अनुसार आता है, जाता है, सुंदर ऋतुएं भी लेकर आता है। ऋतु मतलब वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ऐसे होता वही सफल जीवन में जो बस जो बढ़ता जाता है। अपने जीवन में वही इंसान सफल होता है जो आगे बढ़ता जाता है, बाधाओं से लड़कर अपनी मंजिल पाता है, और बाधाओं से लड़कर वह अपनी मंजिल को पा लेता है। जब चलना ही जीवन है तो क्या थकना क्या सुस्ताना, जब चलना ही हमारा जीवन है तो क्या हम थकें और क्या सुस्ताएं। हार मानकर जो मैं जो भी बैठा उसे पड़ा पछताना, जो हार मानकर जो बैठ जाता है उसे हमेशा पछताना पड़ता है। और ये आपकी बुक में सही विकल्प के सामने चिन्ह दिए गए हैं, लगाने के लिए आपको लगाना है। कविता के प्रश्न है, कविता में प्रश्न किसने किया, मम्मी ने, मुन्ना ने, या मम्मी या मुन्ना दोनों? ठीक है, मुन्ना ने मम्मी से प्रश्न किया चींटियों और चिड़ियों के विषय में। किस विषय में किया? चींटियों और चिड़ियों के विषय में, चींटियां या कृष्णा किसान के विषय में, मधुमक्खी के विषय में। किसके विषय में किया? चींटियों और चिड़ियों के विषय में। ठीक है, मुन्ना केवल इतना ही जानता चींटी और चिड़िया केवल फुदकती और सरकती रहती हैं। इस पे हम टिक करेंगे, अ नंबर पर। चिड़िया तिनके चुनकर बनाती है, जब चिड़िया क्या तिनके चुनकर क्या बनाती है? घोंसला। चींटी हर पल पाई जाती, चींटी कैसे चलती है? हर पल चलते जाती है और सूंघते जाती है, है ना। जीवन में वही सफल जो हमेशा चलता रहता है, हम किस पर टिक करेंगे? जो चलता जाता है। ठीक है, अब ये जोड़ी बनाना आपको है, ये आपका होमवर्क है। कविता में छूटी हुई पंक्तियों को पूरा कंप्लीट करना, ये भी आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन आंसर अभी मैं कराती हूँ अभी आपको। और आपका क्या होमवर्क है? आपको ये पेज नंबर 12 पर इनका एक एक नाम लिखना है। जैसे चिड़िया का क्या नाम है? चिड़िया को हम खगवी कहते हैं, धरती को हम धरा भी कहते हैं, रात को हम रात्रि भी कहते हैं, सूरज को हम रवि भी कहते हैं, चंद्रमा को हम चांद भी कहते हैं।
अब उल्टे शब्दों में जीवन को मरण कहते हैं, शत्रु को मित्र कहते हैं, सफल को असफल कहते हैं, विश्वास को अविश्वास कहते हैं, है ना बेटा? समय के प्रति चींटियों और चिड़ियों का क्या दृष्टिकोण है? आंसर है, समय के प्रति चींटियों और चिड़ियों का दृष्टिकोण है कि हमें हमेशा सकारात्मक विचार लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मंजिल तक कौन पहुंचाता है? जो व्यक्ति बाधाओं से नहीं घबराता वही मंजिल तक पहुंचता है। और आपका थर्ड क्वेश्चन है, किसे पछताना पड़ता है? जो व्यक्ति जीवन की राह में हार मान लेता है उसे पछताना पड़ता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? अपने जीवन के बारे में हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं देखना चाहिए, ना ही थकना चाहिए, क्योंकि अगर हम थक गए तो हम हार गए। हमें हमेशा सकारात्मक विचार लेकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए जीवन में और कठोर परिश्रम करना।